हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर 10 सर्कल। अब सर्कल में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है 10.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। हमें क्या निकालना है कि वो कोड निकालनी है जो बड़े सर्कल का तो कोड है पर छोटे सर्कल को वो टच कर रहा है। तो सबसे पहले हमें देखो टू कंसेंट्रिक सर्कल, हमें सबसे पहले कंसेंट्रिक का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि जब तक ये इस वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें। सबसे पहले कंसेंट्रिक का मतलब है कि चाहे कितने भी सर्कल हों, यहाँ टू सर्कल हैं तो कोई बात नहीं, टू सर्कल हैं, टू सर्कल विच है बोथ हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए, रेडियाई अलग अलग होंगी। तो कंसेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले मैंने दो सर्कल बना दिए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो बड़े सर्कल का जो कोड है वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है। ये सेंटर मैंने ओ ले लिया, ये मैंने सी पॉइंट ले लिया, तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, देखो इसका ना मेन है फिगर बनाना जरूरी, फिगर भी थोड़ा सा सही तरीके से कि भाई आप रेडियस कौन कौन सी ले रहे हो। ऐसे नहीं कि यहाँ से ये साइड ले ली, वो भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, पर ऐसे तरीके से लेना है रेडियस ताकि हमारे कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बने। ये हमारा ए ओ, ये 5 सेंटीमीटर बड़ा सर्कल, ये 3 सेंटीमीटर ए ओ सी, हमें निकालना है ए बी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, ये है ईच 90। क्यों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, क्या है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। अच्छा जी, और पहले तो ए ओ सी में पाइथागोरस लगा लो, इंट्रैंगल ए ओ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे, इसमें हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, पाइप का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25। ये 3 का स्क्वायर इधर आके -9, ए सी का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 16। स्क्वायर हटा के मैंने सीधा अनरूट कर दिया तो ए सी हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही आप बी सी निकाल सकते हो पाइथागोरस से, दोनों को ऐड कर दोगे तो ए बी आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हमने 9th क्लास में भी सीख रखा है कि जो ए बी है मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए सी। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो हम ए सी हमारा कितना 4 फाइंड आउट हो चुका है तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो ए बी हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके बेटा, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका एक्सरसाइज का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है बेटा। कंसेंट्रिक सर्कल दे रखा था हमने पहले, ध्यान से इसकी फिगर बनानी है। कंसेंट्रिक क्या है कि सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, उसके बाद सिंपल पाइथागोरस और एक 9th क्लास की जो प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, वो हमने यूज़ की और ये हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।